हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डीप बायोलॉजी में। इस लेक्चर में हम यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन क्लास 12 से करेंगे। ये वाली वीडियो जो है आपको नीट के एग्ज़ाम में, जो भी मेडिकल एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है, टीजीटी, पीजीटी, सब के लिए हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर कि जो सबसे पहले जो है फैक्टर किसने डिस्क्राइब किए थे। जो फैक्टर थे सबसे पहले, जो जेनेटिक्स के टर्म में जो टर्म आई थी, वो थी हमारी फैक्टर, जो डिटरमाइन करते थे फिनोटाइप। ये वाली चीज़ जो है किसने सबसे पहले यूज की, वो था मेंडल। तो अब क्वेश्चन आ सकता है इस पे से कि फैक्टर टर्म वर डिस्क्राइब्ड बाय, तो आप उसका ऑप्शन लगाओगे मेंडल। अब आगे क्या था, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो वाटसन, क्रिक, नीरनबर्ग, खुराना, कोर्नबर्ग, बेंजर, मोनोड एंड ब्रनर था, जो उन्होंने इस जेनेटिक्स में अपने कॉन्सेप्ट देते रहे। तो आगे जैसे जैसे डिस्कवरी होती रही, डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब होते रहे, और फिर जो वाटसन था उसने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो कहाँ से की, जूलॉजी एट इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन। और वो उसका जन्म कहाँ हुआ था, शिकागो में 6 अप्रैल 1928। उसने अपनी एक्सरे स्टडी की बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पे। तो क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है कि जेम्स वाटसन ने अपनी क्या स्टडी की थी बैक्टीरियोफेज के ऊपर, और उसने किसके द्वारा अपनी स्टडी की, तो वो था एक्सरे। उसके बाद वो क्या हुआ, वाटसन जो है क्रिक से मिला और इन्होंने मिलके क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन जो डीएनए की थी वो बताया। तो अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5। इसमें मैंने जो मेन पॉइंट है वो हेडलाइन कर दिए हैं, उनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिपिक्ट कर दिया है। तो जो वेरिएशन है वो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण नहीं आती। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि एक तो पहली बात क्या है, इसमें क्या होती है, मियोसिस। तो मियोसिस में जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो उससे क्या होगा, वेरिएशन आएंगी, क्योंकि प्रोफेज वन में जो है क्रॉसिंग ओवर होती है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन गैमेट्स की या फ्यूजन। तो इन दो इवेंट से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सीधा माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बन जाता है, तो उसमें वेरिएशन नहीं आते। तो आगे जैसे जैसे चलता रहा तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल सेलेक्शन था जो उसका यूज हुआ, और आर्टिफिशियल सेलेक्शन में जो है मेनली डोमेस्टिकेशन में इसका रोल आया, या प्लांट ब्रीडिंग में कोई स्पेसिफिक ट्रेट वाले सीड जो हैं हमने सेलेक्ट किए और उनको ब्रीड कराते रहे, जिससे हमें डिजायर्ड प्रोजेनी प्राप्त होती रही। तो ये था कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल सेलेक्शन का। आर्टिफिशियल सेलेक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो है साहीवाल जो काउ थी पंजाब में। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि साहीवाल काउ जो है डोमेस्टिकेशन के थ्रू किस स्टेट में जो है आर्टिफिशियली सिलेक्टेड की गई, तो आप आप क्या लिखेंगे, पंजाब में। अब आगे चलते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ। जो मेंडल था उन्होंने अपना क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट थे अपने जितने भी, वो किए गार्डन पी प्लांट के ऊपर, या गार्डन पी प्लांट
या इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम, PISUM, पाइसम सेटाइवम, SATIVUM। तो आपसे क्या पूछेंगे वो कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे किया, वो जनरली आपको जो साइंटिफिक नेम है उसी के थ्रू पूछेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? पाइसम सेटाइवम। और जो मेंडल था उन्होंने अपने मैथमेटिकल लॉजिकल जो है अपने अप्लाई किए बायोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डिग्री थी वो मैथमेटिक्स में की हुई थी। और उन्होंने ट्रेट लिए 7 पी प्लांट पे, तो वो 7 जो ट्रेट हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर हम सीड शेप की बात करें तो जो राउंड था वो था हमारा डोमिनेंट, और जो रेसेसिव था वो था रिंकल्ड। डोमिनेंट ट्रेट कौन से होते हैं? जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और ये डोमिनेंट जीन के कारण जो है एक्सप्रेशन इनका होता है। और रेसेसिव ट्रेट जो है सप्रेस हो जाते हैं डोमिनेंट जीन से। ऐसे ही सीड कलर जो है वो येलो था डोमिनेंट और रेसेसिव था ग्रीन। फ्लावर कलर जो है वायलेट था डोमिनेंट और रेसेसिव था वाइट। पॉड शेप में अगर बात करें तो फ्लैट थी जो वो थी डोमिनेंट और रेसेसिव थी कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर जो है वो ग्रीन कलर था जो वो तो था डोमिनेंट और जो रेसेसिव था वो था येलो। फ्लावर पोजीशन में एक्जियल जो था वो था डोमिनेंट। एक्जियल मतलब जो एक्जियल से फ्लावर निकलेंगे, और टर्मिनल था रेसेसिव, जो टर्मिनल पोजीशन से फ्लावर निकलें। ऐसे ही अगर प्लांट हाइट की बात करें तो टॉल था डोमिनेंट और रेसेसिव हमारा क्या था? ड्वार्फ। टॉल मतलब लंबा और ड्वार्फ जो है छोटे। और कितनी ब्रीडिंग पी वैरायटी जो है मेंडल ने ली थी? तो मेंडल ने कितनी ली थी? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटी ली थी। तो आपको यहाँ से क्या याद करना है कि कितनी पी वैरायटी मेंडल ने चूज की थी, उसने कितने ट्रेट लिए थे, और जो ये टॉल ड्वार्फ ये डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है, कई बार आपको टेबल बना के वो पूछ सकते हैं। ये ऊपर डायग्रामेटिक फॉर्म में था और यहाँ पे सीधा टेबल बना के दिया हुआ है, वही जो हमने ऊपर किया कि स्टेम हाइट किसके लिए होते हैं। अब बात करते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन है कि F1 या फिलियल वन जनरेशन क्या होती है। जो पेरेंट्स जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं जब उनकी क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी हमें मिलती है वो होती है फिलियल वन जनरेशन। और जब हम इन फिलियल वन जनरेशन वाली प्रोजेनी की जब क्रॉस कराएंगे तो जो हमें बाद में मिलेगी ऑफस्प्रिंग वो होंगे फिलियल टू या F2 जनरेशन। अब ये एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो जो ये है हमारा फ्लावर, फ्लावर में क्या है? पी प्लांट जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें एंथर स्टिग्मा दोनों हैं तो इसलिए बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल है तो हम क्या करेंगे, इसको इमेस्कुलेटेड करेंगे। इमेस्कुलेशन क्या होता है? जब एंथर का हम रिमूवल करेंगे तो वो प्रोसेस जो होती है हमारी इमेस्कुलेशन। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनमें जब हम ब्रीडिंग कराएंगे आउट क्रॉसिंग, जब हम उनकी मतलब दूसरे इंडिविजुअल से क्रॉस कराएंगे, मतलब सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या करेंगे यहाँ पे? इनहिबिट।
सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे, तो एंथर को हम रिमूव कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन। तो इन्होंने एंथर को रिमूव किया, तो एंथर को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, खाली स्टिग्मा। अब स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा को हमने पोलन ट्रांसफर कराए, तो जो स्टिग्मा जो यहाँ पे बचे हैं, यहाँ से जो एंथर थे कोई दूसरा प्लांट उससे ट्रांसफर कराए पोलन। अब पोलन ग्रेन जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट है पोलन, तो वो फ्यूजन करेगा फीमेल गैमेट के साथ और क्या बनाएगा, हमारी ऑफस्प्रिंग। तो ये क्रॉसिंग के स्टेप थे। अब जो ऊपर हमने फिलियल वन जनरेशन या F1 जनरेशन डिस्कस की थी, वो सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू हमने किया, और उनकी सेल्फ पोलिनेशन जब हम कराएंगे F1 की, तो शुरू में तो क्या होगा, रेशो हमारी क्या आएगी, 1/4 और 3/4। तो हम कह सकते हैं 3:1 जो है हमारी फिनोटिपिक रेशो होगी। अब इसको हम आगे क्रॉस के थ्रू समझेंगे कि फिनोटिपिक रेशो 3:1 कैसे आई और जीनोटिपिक रेशो क्या आएगी हमारी, 1:2:1। जैसे जैसे प्रोसीडिंग होती रही जेनेटिक्स में डिस्कवरी की, तो ये फैक्टर जो है इनको क्या नाम दे दिया गया, जीन्स। और फैक्टर और जो जीन थे जो हमारे, वो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब जीन भी क्या है, एक जीन के एक से दो या दो से ज्यादा अलील हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जीन के दो अलील है मेंडल वाले केस में। तो जो अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की, वो होती है अलील। जैसे मान लो टोल के लिए कोई जीन, टोल हमारी फिनोटाइप है, इसके लिए दो, तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि टी जो है डोमिनेंट है। अब जो इसकी अल्टरनेट फॉर्म है, ये स्मॉल टी वाली लेटर, तो ये क्या है, इसकी अलील। तो टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हुए हमारे, अलील हुए, जो हाइट को एनकोड कर रही हैं जीन्स। तो वही इसमें क्या किया, अब क्रॉस कराई जब, तो हमने पेरेंट्स लिए टीटी और टोल वाले और ड्वार्फ वाले, जो क्या थे, होमोजाइगस थे। तो यहाँ पे क्या थी, कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या था, स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन जो आएगी, तो यहाँ से कौन सा गैमेट पास होगा, कैपिटल टी वाला, यहाँ से कौन सा होगा, स्मॉल टी वाला। जब फ्यूजन होगी इनकी, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जितने भी F1 होंगे, सबकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और वो फिनोटाइप क्या होगी उनकी, टोल, क्योंकि कैपिटल टी जो है डोमिनेंट जीन है। तो जब कैपिटल टी फ्यूज करेंगे पेरेंट्स, तो क्या होगा, तो हमारे F2 बनेंगे, तीन तो होंगे टोल और एक होगा ड्वार्फ। इसको हम आगे प्यूनिट स्क्वायर के थ्रू समझेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने टोल लिया था होमोजाइगस वाला, ये होमोजाइगस वाला टोल था, ये ड्वार्फ था स्मॉल टी। अब हमने क्या किया, इसके गैमेट बनाए, तो कैपिटल टी है, तो ये सेग्रीगेट होगा, तो यहाँ पे केवल कैपिटल टी और कैपिटल टी पास आउट होगा, और स्मॉल टी वाले से स्मॉल टी,
और स्मॉल टी पास आउट होगा, तो एफ वन में कितने क्या बनेंगे सभी के सभी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सभी क्या होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एफ वन जनरेशन की हमने क्रॉसिंग कराई, तो यहाँ पे क्या थे हमारे दो अलील प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे दो अलील प्रेजेंट थे एफ वन में कैपिटल टी स्मॉल टी, तो गैमेट्स जो हैं सेग्रीगेट होने पर यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी की फ्यूजन होगी तो वो बनेगा कैपिटल टी या होमोजाइगस फॉर टी अलील, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप क्या होगी, एक तो है हमारा कैपिटल टी, दो है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी, तो 1:2:1 तो होगी हमारी जीनोटाइपिक रेशो, और कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, तो ये वाला भी टोल होगा, ये वाला भी टोल होगा और ये वाला भी टोल होगा, तो तीन तो होंगे टोल, लेकिन जो स्मॉल टी होगा जिसमें वो होगा ड्वार्फ, तो ये होगा ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी 3:1। और ये प्यूनेट स्केयर का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, रिनल्ड सी प्यूनेट, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्यूनेट स्केयर जो है किसने डेवलप्ड की, ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट था और नाम था इनका रिनल्ड सी प्यूनेट। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है कि हम एक जीन को लेके या फिर एक करैक्टर को लेके जब हम क्रॉस कराएंगे तो वो होगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और सेग्रीगेशन क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला कोई पेरेंट है तो जब गैमेट बनाएगा ये तो इनकी सेग्रीगेशन होगी, मतलब टी वाला अलग गैमेट, टी वाला अलग गैमेट में कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला अलग गैमेट में पास आउट हो जाएगा, तो सेग्रीगेट द मियोसिस में क्या होगा द अलील ऑफ द पेरेंटल पेयर, पेरेंटल पेयर क्या है हमारा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे सेग्रीगेट हो जाएंगे और गैमेट में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफाइन करती है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये वही सीधा आपको बताया हुआ है जो ऊपर डायग्रामेटिक फॉर्म में है, वही चीजें लिखी हुई हैं बस। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम लगाएं अपनी इस फॉर्मूले में कि 1:2:1 जो है जीनोटिपिक रेशो आ कैसे रही है, तो हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वेयर जो है वो वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या होती है ए प्लस बी का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वेयर जब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लगाएंगे तो क्या होगा जो ए एक्स प्लस बी वाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2t + 1/2t का होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें क्या था एक कैपिटल टी था एक स्मॉल टी था, तो ये जो है ब्रैकेट्स वाली जो टर्म है ये दो बार आएंगी क्योंकि इसके ऊपर टू लगा हुआ है, तो एक बार ये इसकी क्रॉस करा दी हमने तो क्या होगा 1/2 × 1/2 = 1/4tt। अब इसकी जो है कराएंगे हम इससे 1/2tt × 1/2t तो क्या होगा 1/2t
1 by 2 multiply 1 by 2 क्या होगा 1 by 4 t. अब जब इसकी कराएंगे हम 1 by अब जब क्या होगा जब हम इसकी और इसकी कराएंगे तो क्या होगा 1 by 2 t plus 1 by 2 multiply capital T तो क्या होगा 1 by 4 capital T small t और पहले वाले में क्या था 1 by 4 capital T small t जब इन दोनों का sum up करेंगे हम इन दोनों का sum up तो क्या आएगा 1 by 2 capital T small t और 1 by 2 t small t multiply by 1 by 2 small t तो क्या होगा 1 by 4 small t small t तो ऐसे ये वाली जो है इक्वेशन आ रही है तो क्या होगा एक चार में से एक तो होगा कैपिटल टी दो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक होगा स्मॉल टी टेस्ट क्रॉस में क्या होता है टेस्ट क्रॉस में हम पता लगाते हैं कि जीनोटाइप क्या है F1 या F2 की तो मान लो हम इसमें करते क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी हम क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव वंश से मतलब जो होमोजाइगस रिसेसिव होगा और फिर उसमें हम देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग हमें कैसे मिल रहे हैं और उस बेसिस पे हम जीनोटाइप पता लगाते हैं अननोन इंडिविजुअल की तो ये है हमारा टेस्ट क्रॉस चलो इसको आगे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा क्या था कोई अननोन इंडिविजुअल था ये वाला जिसकी हमें डोमिनेंट फेनोटाइप पता थी लेकिन जीनोटाइप अननोन थी तो हम क्या कराएंगे इसकी क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव वंश से तो ये ट्रेट हमने कौन सा लिया है यहाँ पे ये लिया है कैपिटल डब्ल्यू जो है डोमिनेंट है और स्मॉल डब्ल्यू जो है रेसेसिव वन है तो होमोजाइगस रेसेसिव वाला क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू जो है यहाँ पे क्या कर रहा है वायलेट कलर प्रोवाइड कर रहा है पेटल के कलर को फ्लावर में और स्मॉल डब्ल्यू जो है व्हाइट कलर प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव वन कौन सा है व्हाइट तो जब हमारी जीनोटाइप होगी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और क्रॉस कराएंगे इसकी होमोजाइगस रिसेसिव वन से तो क्या होगा इसमें ये सेग्रीगेट होगा तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू होगा और यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू पास आउट होंगे जब इनकी फ्यूजन होगी तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे भी कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू तो फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या आएगी 1:1 मतलब आधे तो होंगे हमारे पर्पल कलर वाले या वायलेट कलर वाले या और आधे होंगे हमारे वाइट कलर वाले तो जब हमारी 1:1 सेग्रीगेशन आ रही है ऑफस्प्रिंग में टेस्ट क्रॉस में तो जीनोटाइप हमारी क्या होगी हिट्रोजाइगस लेकिन जब हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट होगी जीनोटाइप मतलब दोनों जो हैं कैपिटल अलील प्रेजेंट होंगे जीनोटाइप में तो क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू पास आउट हुआ यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू पास आउट होगा तो सभी के सभी में कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू जीनोटाइप होगी और क्या बनेगा यहाँ पे सभी वायलेट कलर के बनेंगे तो जब रेशो यहाँ पे 100% जब प्रोजेनी एक टाइप की मिलेंगी ऑफस्प्रिंग में टेस्ट क्रॉस में तो हम क्या कह सकते हैं जो जीनोटाइप है हमारी अननोन पेरेंट की वो है होमोजाइगस डोमिनेंट अब लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस करते हैं मेंडल के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या था कि
जो करेक्टर हैं वो कंट्रोल्ड करते हैं फैक्टर के द्वारा, और फैक्टर जो है हमेशा किस में होंगे, पेयर में। जैसे टोल की अगर हम बात करें तो टोल में क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये पेयर में फैक्टर है, ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या हो सकता है, पेयर में जो टोल को ही एनकोड करेगा, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। अब जब हमारा डिससिमिलर फैक्टर होगा, मतलब एक कैपिटल टी होगा दूसरा स्मॉल टी होगा, तो क्या होगा, जो डोमिनेंट वन होगा वो डोमिनेट करेगा और जैसे रिसेसिव वन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है और स्मॉल टी वाला रिसेसिव है, तो कैपिटल टी वाला क्या करेगा, डोमिनेंट, और स्मॉल टी वाला क्या करेगा, रिप्रेस। तो यहाँ पे कौन सी फिनोटाइप होगी, टोल, किसके कारण होगी, कैपिटल टी के कारण। और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वही एक्सप्लेन करता है हमें जो एफ टू में 3:1 रेशो हमें ऑब्टेंड होती है। तो वो पूछ लेंगे आपसे कि जो एफ वन फिनोटाइप है 3:1 वो कौन से ला से मेंडल के हमें पता चल रही है, जो उसको एक्सप्लेन कर रही है, तो वो कौन सा ला है, ला ऑफ डोमिनेंस। अब बात करते हैं ला ऑफ सेग्रीगेशन की। ला ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल है, मान लो ये वाला, तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जो फैक्टर हैं ये आपस में ब्लेंड नहीं करेंगे, और जब ये गैमेट बनाएंगे, ब्लेंड मतलब यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी, कैपिटल टी सेपरेट रहेगा, स्मॉल टी सेपरेट रहेगा। और जब मियोसिस की प्रोसेस शो होगी तो ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो कैपिटल टी एक में, स्मॉल टी एक में, ये वाला बताता है हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये वाले जो बनेंगे हमारे, ये सब क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, तो 50% जो बनेंगे हमारे कैपिटल टी और 50% ही हमारे क्या बनेंगे, स्मॉल टी। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। जो ऊपर जो मेंडल ने हमें बताया था वो था कंप्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, जो एक जीन है, एक अलील है, वो दूसरे अलील को कंप्लीटली सप्रेस नहीं करेगी। जैसे मान लो ये जो एंटीहीरियम मेजस या स्नैपड्रैगन है, ये वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें हमें मिलती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो हमें किस में मिलती है, और इससे क्या आता है, फिनोटिपिक रेशो क्या होगी, जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, और फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो किस फिनोमिना में सेम रहती हैं, तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, मान लीजिए कोई जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, और आर जो है रेड कलर प्रोवाइड कर रही है, स्मॉल आर जो है वाइट कलर, लेकिन क्या होगा, ये जो कैपिटल आर वाली है ये कम्प्लीटली सप्रेस नहीं करेगी स्मॉल आर को, तो इसमें क्या होगा, जो कलर बनेगा वो रेड ना बन के क्या बन जाएगा, पिंक। मतलब ना तो कैपिटल आर का एक्सप्रेशन हुआ कम्प्लीटली, ना यहाँ पे स्मॉल आर का, इनका इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन हुआ है यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब इसको हम एक क्रॉस के थ्रू समझते हैं। जैसे ऊपर लेते हैं हम पेरेंट पी जनरेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट, तो रेड वाले ले लिए आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, वाइट वाले स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये गैमेट क्या बनाएंगे,
कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब इनकी क्या होगी फ्यूजन, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर जब फ्यूज करेंगे तो आर जो है कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है यहाँ पे रेसेसिव आर अलील के ऊपर, तो क्या बनेगा एफ वन में हमारे पिंक सभी के सभी। अब जब हम एफ वन की क्रॉसिंग कराएंगे आपस में सेल्फ क्रॉसिंग, मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के साथ हम क्रॉसिंग करा देंगे, तो क्या बनेगा कैपिटल आर गैमेट और स्मॉल आर गैमेट, ऐसे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू 50% तो बनेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर बनेंगे 50%। अब जब कैपिटल आर की फ्यूजन होगी तो रेड कलर प्रोड्यूस होगा, और स्मॉल आर और स्मॉल आर की फ्यूजन होगी तो वाइट कलर प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब कैपिटल आर और स्मॉल आर की फ्यूजन होगी तो बनेगा यहाँ पे पिंक, क्योंकि कैपिटल आर वाला यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है स्मॉल आर के ऊपर। तो यही चीज जो है इसमें इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल आर जो है डोमिनेंट कम्प्लीटली नहीं है स्मॉल आर के ऊपर। तो क्या होगा जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो कैपिटल आर एक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर एक ये वाला एक ये वाला, तो दो, और स्मॉल आर एक, तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 जैसा कि हमें कंप्लीट डोमिनेंस में देखी थी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा फिनोटिपिक रेशो में, फिनोटिपिक रेशो में क्या होगा एक रेड होगे और दो पिंक होंगे और एक वाइट होगा, तो रेशो 1:2:1 आएगी। ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस टॉपिक के लिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछेंगे कि फिनोटिपिक रेशो जो है एंटीहीरियम मेजस में एफ टू में क्या आएगी, या फिर 1:2:1 जो है किस में फिनोटिपिक रेशो आती है, या जीनोटिपिक रेशो या फिनोटिपिक रेशो सेम किस में आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। सीधा वो ये भी पूछ सकते हैं कि एंटीहीरियम मेजस या स्नैप ड्रैगन में फिनोटिपिक रेशो क्या होगी, तो आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे याद करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो डोमिनेंस वाला वही था जो ऊपर बताया था कि दो अलील है एक कम्प्लीटली डोमिनेंट करेगी दूसरे को सप्रेस कर देगी जो रेसेसिव अलील वाला होगा। अब जो एक्सप्रेशन होगा डोमिनेंट अलील का तो उससे क्या होगा, तो मॉडिफाइड अलील जो होगी, जो मान लो ये डोमिनेंट थी तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई, तो क्या हो सकता है इससे कि या तो बिल्कुल भी एंजाइम ना बने, मतलब ये पूरी की पूरी नॉन फंक्शनल हो जाए ये वाली जीन, या तो ये अब मॉडिफाइड अलील हो जाए, मतलब ये कैपिटल टी वाली कोई अलील है या जीन है उसको मॉडिफाई कर दिया हमने, तो तीन पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ये नॉर्मल फंक्शन प्रोवाइड करे कि इसमें साइलेंट म्यूटेशन हो जाए इस जीन में, दूसरा ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे, इसका मतलब ये एंजाइम प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन उसका फंक्शन नहीं होगा, तीसरा ये एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, जो ये एंजाइम कब प्रोड्यूस नहीं करेगा जब इसमें कौन सी म्यूटेशन हो जाएगी, जब इसमें कोडोन स्टॉप कोडोन बन जाएंगे यहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन, तो उससे क्या होगा प्रोटीन बनेगा ही नहीं कम्प्लीटली, और उससे क्या होगा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। जब पहले केस में जब मॉडिफाइड अलील जो है इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड अलील के, तो एक्सप्रेशन लगभग सेम रहेगा, तो मॉडिफाइड अलील और अनमॉडिफाइड अलील का एक्सप्रेशन सेम रहेगा। लेकिन सेकंड और थर्ड केस में जब नॉन फंक्शनल या एंजाइम बनेगा ही नहीं तो फिनोटाइप अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि अनमॉडिफाइड अलील तो अपना टोल एक्सप्रेशन शो करेगी सही तरीके से, लेकिन जब नॉन फंक्शनल या एंजाइम बनेगा ही नहीं तो टोल यहाँ पे नहीं बनेगी।
और फिनोटाइप क्या हो जाएगी, अफेक्टेड। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में क्या है, जैसा कि हम नाम से ही पता चल रहा है, को मतलब साथ साथ या सहयोग से, मतलब दो अलील हैं जैसे आई ए या आई बी, मल्टीपल अलील वाले बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये दोनों मिलके अपना एक्सप्रेशन जब शो करेंगे आई ए आई बी, तो ये वाला एग्जांपल होगा कोडोमिनेंस का। जैसे कोई फ्लावर है हमारा, उस फ्लावर में ऊपर वाले की अगर हम बात करें रेड और वाइट वाले केस वाला, तो क्या होगा, इसमें रेड कलर भी मिलेगा हमें फ्लावर में और वाइट कलर भी मिलेगा, मतलब रेड और वाइट दोनों मिलेंगे फ्लावर के अंदर, तो वो किसका एग्जांपल होगा, कोडोमिनेंस का। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो कोडोमिनेंस का, वो है ब्लड ग्रुपिंग आई ए आई बी जीन वाला। तो जब आई ए और आई बी जब साथ में होगा तो क्या होगा, कोडोमिनेंस। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। तो ब्लड ग्रुपिंग में जो कंट्रोल्ड करता है ब्लड ग्रुप को, वो होता है जीन हमारा आई। ये जो आई जीन है वो एनकोड करता है जो सुगर पॉलीमर जो हमारे होते हैं रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उनको तीन जीन, अब ये जो आई जीन है इसके तीन अलील है, आई ए आई बी और आई स्मॉल आई। तो जब आई ए और आई बी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सुगर, और ये कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं स्मॉल आई के ऊपर। आई ए और आई बी तो होते हैं को डोमिनेंट, ठीक है। अब आई ए जो है डोमिनेंट होता है स्मॉल आई के ऊपर, इसका मतलब आई ए का एक्सप्रेशन होगा। सिमिलरली आई बी भी क्या है, डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ जीनोटाइप या नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछ लेते हैं आपसे कि ब्लड ग्रुपिंग में कितनी होते हैं। अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन बाई टू। तो एन है यहाँ पे नंबर ऑफ अलील, तो नंबर ऑफ अलील कितने हैं इस केस में, तीन, तो थ्री, थ्री प्लस वन बाई टू। तो क्या होगा, थ्री प्लस वन फोर, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री, 12 by 2 is equal to 6। तो number of genotype कितनी होंगी blood grouping में, 6। ये वाला important formula है कि जब हमें number of allele दिए हुए हैं और हमें बताना है number of genotype कितने होंगे, तो n multiply by n plus 1 by 2, तो number of genotype कितने होंगे इससे, 6। और phenotype कितने होंगे, ए वाला एक हो गया ए बी, एक हो गया बी और एक हो गया ओ। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं यहाँ पे, 4। और नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं 6 जीनोटाइप, पहला आई ए आई ए, दूसरा आई ए आई बी, और तीसरा क्या है आई ए आई, चौथा आई बी आई बी, पांचवा आई बी स्मॉल आई, और स्मॉल आई कौन सा हो गया हमारा, छठा। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हुए, 6, और फिनोटाइप कितने हुए, 4। अब आपसे क्या पूछेंगे वो कि ब्लड ग्रुपिंग में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, कौन सी अलील किसके ऊपर डोमिनेंट है, कौन सी अलील कोडोमिनेंट है। अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट जो है इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और साथ ही साथ मैं इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यू में कराऊंगा।